बच्चों आज हम करेंगे 14th चैप्टर 10th क्लास के लिए 271 पेज पे है स्टैटिस्टिक्स का मीन, जिसे हम क्या निकालेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से। ये है क्वेश्चन नंबर 6 आपके बुक में। द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउसहोल्ड्स इन ए लोकेलिटी। उनका एक्सपेंडिचर दिखाया हुआ है, डेली एक्सपेंडिचर 100 से 150, 200 से 250, 200 से 250 से 300, 300 से 350। नंबर ऑफ हाउस होल्ड सिखाए हैं 4, 5, उनका कितना एक्सपेंडिचर है। उसके बाद हमने उसने निकाला है फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय ए सूटेबल मेथड। कोई भी मेथड से निकालिए, तो हाँ जी हम निकालेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से। स्टेप डेविएशन मेथड से पहले क्या निकालेंगे, इसका हम मिड निकालेंगे। नंबर ऑफ हाउस होल्ड दिखाया है, इसके बाद पहले क्या है मिड पॉइंट, एक्स आई जिसे बोलते हैं मिड पॉइंट। सो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, 100 + 150 = 250, 250 / 2 कितना हो गया 125, ये हो गया इसका मिड पॉइंट। ओके, तो इसका मिड पॉइंट है जिसको कि हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स आई सी। इसका मिड पॉइंट क्या है 125, अगले का कितना होगा 175, इसका कितना होगा 225, नेक्स्ट का कितना होगा 250 + 300, 550 / 2 कितना बन गया 275। आगे 50-50 का डिफरेंस है, ये देखो 50-50 का डिफरेंस है ना, अगले का क्या है 325, ये हमारे मिड पॉइंट निकल आए। उसके बाद क्या है डेविएशन, ये स्टेप डेविएशन का मेथड लगाया हमने। डी आई डेविएशन इज इक्वल टू किसके होगा, डेविएशन मतलब हमने 225 क्या निकाला हमने एज्यूम्ड मीन। ये कोई भी एस्टिमेट कर लेना है, सेंटर का पॉइंट्स ले लेते हैं, चाहे ये भी ले सकते हैं, ये भी सबसे आंसर सेम आएगा। तो ये क्या हमने लिया है डेविएशन निकालने के लिए क्या है, एक्स आई मिड पॉइंट में से 225 जो है माइनस कर देना है। 225 माइनस किया, 125 में से 225 माइनस किए, कितना आएगा माइनस आएगा ना, क्योंकि साइन माइनस का बड़ा है, माइनस 100, उसके बाद माइनस 50, नेक्स्ट का 225 में से 225 निकाले 0, नेक्स्ट का है 275 में से इसका 50, फिर 100, ये प्लस आएगा ना, 325 में से 225 निकाले कितना हो गया 100। यहाँ पे कैसे निकाला है डेविएशन, एक्स आई माइनस 225 मीन्स एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन। उसके बाद क्या है यू आई, हमने स्टेप डेविएशन मेथड कर रहे हैं, यू आई मतलब डेविएशन अपॉन कितना है डिफरेंस इन दोनों का, 50 है सब में डिफरेंस कितना है h, जिसको हम मान लेते हैं डिफरेंस कितना है 50 का, डी आई कितना है हमारे पास, ये रहा ये डी आई है, डी आई अपॉन 50 माइनस 100 का 50 कितना आएगा 2 आ गया, इसका 1 आ गया, इसका 0, इसका 1 और इसका 2। नेक्स्ट लास्ट में हम क्या करेंगे एफ आई इंटू यू आई, इसको फ्रीक्वेंसी से हमने मल्टीप्लाई कर लेनी है। एफ आई कितना है 4, इसको और इसको, इन दोनों को इसको और इसको मल्टीप्लाई करनी है, कितना आया माइनस 8, फिर कितना आएगा माइनस 5, फिर इसको मल्टीप्लाई किया इसका कितना आ गया 2, इसका कितना आ गया 4, ये आ गया टोटल 6, ये आ गया माइनस 13, माइनस 13 में से 6 निकाले कितना आया माइनस 7, ये आ गया हमारा, ये निकल गया। उसके बाद हम स्टेप डेविएशन में मीन एज्यूम्ड मीन कितना लिखा है 225, यू आई हमारे पास कितना है डी आई ओवर 50, ठीक है। इसका फार्मूला क्या है a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई ओवर n, n किसका है नंबर्स, टोटल नंबर कितने हैं ये फ्रीक्वेंसी का टोटल 25 इंटू एच, एच किसको बोलते हैं इनका डिफरेंस, ठीक है। अब क्या है मीन इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन कितना लिया हमने 225
प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना है, माइनस 7 अपॉन एन कितना है 25 इंटू एच, एच कितना है 50, ये आ गया 225 माइनस कितना आया 14, ये कितना आ गया 211 हमारा मीन आ गया। स्टेप डेविएशन मेथड से हमने निकाला है। इस वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना।